बिहार ने प्रियंका गुप्ता ए काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र में स्नातक थाया पछी राजधानी पटना में टी स्टॉल खोल्यो। प्रियंका ए आउ केम कर्यु ते जुओ आ वीडियो में। बिहार नी प्रियंका गुप्ता ए काशी विद्यापीठ माथी अर्थशास्त्र मा स्नातक थया पछी राजधानी पटना मा टी स्टॉल खोल्यो। प्रियंका ए आउ केम कर्यु? एक छोकरी इकोनॉमिक्स मा ग्रेजुएशन पूरु कर्यु अने पछी नौकरी शोधवा लागी। ज्यारे तेने बे वर्ष सुधी कोई नौकरी न मळी त्यारे तेने चा नी दुकान खोलवानुं नक्की कर्यु। एक अर्थशास्त्र नी स्नातक युवती पटना नी महिला कॉलेज नी बाहर टपरी पर चा नी दुकान खोली। ग्रेजुएट प्रियंका गुप्ता ए कह्यु कि मैं 2019 मा यूजी एटले कि अंडर ग्रेजुएट करी, परंतु छेल्ला 2 वर्ष मा नौकरी मळी शकी नथी। मैं प्रफुल्ल बिलोर पासे थी प्रेरणा लीधी। तेमणे एम पण कह्यु कि देश मा चाय वाला घणा छे, त्यां चाय वाली केम न होई शके। बिहार नी दीकरी ए राजधानी पटना मां खोल्यो टी स्टॉल। स्टॉल पर सारी संख्या मां ग्राहकों ने करी रही छे आकर्षित। बिहार नी राजधानी पटना मां 24 वर्ष नी प्रियंका गुप्ता ए नौकरी न मळता चा नी दुकान खोलवानो निर्णय कर्यो। बिहार ना पूर्णिया जिला नी वतनी प्रियंका गुप्ता 2 वर्ष नी मेहनत छता बैंक स्पर्धात्मक परीक्षा मां नापास थया बाद पटना महिला कॉलेज पासे चानी दुकान चलावी रही छे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ माथी ग्रेजुएशन पूर्ण कर्या बाद प्रियंका आ वर्षे 11 एप्रिल थी चा वेचवानु शुरू कर्यु। ते तेना स्टॉल पर सारी संख्या मां ग्राहकों ने आकर्षित करी रही छे। बिहार नी दीकरीए आवु केम करवु पड्यु? बहुत क्लोज जाके छोटा था, तो फिर 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई थी एक्चुअली। तो 2020-21 दो साल बीत गए लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी। तो था कि यार मतलब कब तक ऐसे रहना है, कुछ तो करना है ना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ छोटा ही स्टार्टअप कर लिया जाए। तो देन मैंने ना इंटरनेट पे मैंने प्रफुल्ल बिलोरे का कुछ वीडियोज़ देखा, तो मैं बहुत क्यूरियस थी उनके बारे में जानने के आखिर वो बंदा है कौन मतलब। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर तो वहीं से इंस्पिरेशन आया, नहीं मतलब करना चाहिए स्मॉल स्टार्टअप। एंड चाय का एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, एंड प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती है। तो इतने सारे चाय वाले थे, ठीक है, ये अनुभव दुबे हो गए, जैसे प्रफुल्ल बिलोरे हो गए एंड ऑल दैट, और भी बहुत को हैं। तो मैंने सोचा यार सब चाय वाले हैं तो एक चाय वाली भी होनी चाहिए ना। तो देन आई थॉट कि या आई शुड डू दिस, मुझे ये करना था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी, तो मैंने बोला कि पापा पटना जा रही हूँ, वहीं पे बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। और तो पापा ने बोला ठीक है जाओ करो पढ़ो। और फिर तो मैं जब से पटना आई, 30 जनवरी को आई थी मैं, इसी साल घर से ये बोल के कि ठीक है हम पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं। लेकिन माइंड सेट था कि पटना जा रहे हैं तो चाय का दुकान खोलना ही खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए आई विल हैंडल दैट, बट मैं ये करके ही रहूँगी। आई थी अकेले, कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना, बस इतना पता था करना है। तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे चाय के स्टॉल्स पे जाना शुरू किया। पटना में बोरिंग रोड के इलाके में रहती थी, तो बहुत सारे टी स्टॉल्स पे विज़िट किया, देखा उनके कस्टमर्स को, देखा उनको, देखा उनसे कई बार मैंने बोला भी हाँ मैं MBA की स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, आप दिन भर में कितनी सेलिंग कर लेते हो, कैसे आपके कस्टमर्स होते हैं, मतलब ऑल दैट जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी। तो 2 महीने मैंने बहुत रिसर्च किया, मार्केटिंग रिसर्च एंड ऑल दैट जो भी था। फिर मैंने अपना एक बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया, बैंक के पास गई लोन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। साथ ही बातचीत करता प्रियंका ये कहूँ कि छेल्ला 2 वर्ष थी हूँ बैंक नी स्पर्धात्मक परीक्षाओ पास करवा माटे सतत प्रयास करी रही छु, परंतु आखो समय निर्थक रह्यो, તેથી ઘરે પાછા જવાને બદલે મેં પટનામાં એક હાથલારી પર ચાની સ્ટોલ લગાવવાનું નક્કી કર્યું। મને આમાંથી કોઈ સંકોચ નથી, શહેરમાં મારી પોતાની ચાની દુકાન ખોલી અને હું આ વ્યવસાયને આત્મનિર્ભર ભારત તરફના પગલા તરીકે જોઉં છું।
हम पीने वाले नहीं है आज भी, लेकिन आई वॉन्ट टू सी वट शी इज डूइंग। कौन है ये लड़की जो या बट आई अप्रिशिएट हर करेज एंड विल टू डू समथिंग, दैट इज वॉट आई अप्रिशिएट। सो आई वॉन्टेड टू सी हू शी इज एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पेपर कटिंग्स एंड सम पीपल आर सेंडिंग मी लाइक यू नो सम पेपर कटिंग्स इवन फ्रॉम मुंबई एंड ऑल। सो आई वॉन्टेड टू सी। तो अंदर इतनी लड़कियाँ अच्छा करती हैं, बाहर भी परफॉर्मेंस कॉलेज के ना वो ठीक है। बहुत लोग जो बोलते हैं मैम, बहुत लोग जो बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आज अभी कर सकते हैं। वो कौन बोलते हैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट नो, गर्ल्स कैन डू लॉट। आज उनको आप अप्रिशिएट करने जा रही हैं? यस आई एम गोइंग टू। आपको कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है, एक नया कुछ कर रही है वो लड़की, एक लीक से हटकर कुछ काम कर रही है, इसलिए हम लोग उत्सुक भी हैं देखने के लिए। अभी तक पटना में कोई ऐसा नहीं था जो चाय बेचे। ठीक आपको आत्मनिर्भर भारत ना सूत्र ने सार्थक कर दू वधु एक उदाहरण। प्रियंका अमदावाद मां चानी दुकान चलावता प्रफुल बिलोर ने पोतानो रोड मॉडल माने छे। MBA करवा छता बिलरे चानी दुकान शुरू करी अने हवे तेनो मोटो बिजनेस छे। प्रफुल बिलोर 24 ग्राहकों ने चाना स्टॉल तरफ आकर्षवा माटे पीना ही पड़े अने सोच मत चालू कर दे बस जेवी रसप्रद पंच लाइन नो उपयोग करे छे। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत बैंक में गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बट उनका भी एक वो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो फिर एट लास्ट मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से, मैं पटना में रहता है, तो उसने मुझे 30,000 रुपीज़ की हेल्प की एंड मैंने बोला कि ठीक है मैं तो उसको बहुत जल्दी वापस कर दूँगी। तो वो बोला, तो उसने हेल्प करी एंड फिर मैंने अपना सारा जो था स्टार्ट किया। कितने तारीख को अपनी शुरुआत की? 11th of April। कैसा रिस्पॉन्स है? मेरे यहाँ पे सब हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली कस्टमर्स का भी सपोर्ट अच्छा रहा, स्टूडेंट का भी। मैंने ये स्पॉट इसीलिए चुना क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया यार कहाँ लगाया जाए चाय का ठेला, तो मैंने सोचा यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ ना चाय का दुकान था नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कितने तरह की चाय बनाती हैं आप? मैं मसाला चाय बनाती हूँ, अदरक वाली चाय और चॉकलेट चाय, पान चाय। ब्यूरो रिपोर्ट, ZSTV पटना। गर्व गायनेक हॉस्पिटल एंड लेपोस्कोपी सेंटर हिम्मतनगर तथा प्रांतीय खाते अद्यतन सुविधाओं साथे सोनोग्राफी, प्रसूति गृह, लेपोस्कोपी उपलब्ध सुविधाओं, प्रसूति अने तेने लगता रोगों की सारवार, 3D 4D सोनोग्राफी, दूरबीन थी तथा तमाम प्रकार ना ऑपरेशन, वंध्यत्व निवारण केंद्र, गर्भाशय की कोथड़ी नु टाका वालू तथा टाका वगर नु ऑपरेशन, कैंसर निदान केंद्र, कुटुंब नियोजन केंद्र, गर्भाशय ना रोगों नु निदान अने सारवार, IUI नी सुविधा, मेनोपोज क्लिनिक, AC रूम नी सगवट, इमरजेंसी सारवार 24 कलाक उपलब्ध, कैशलेस तथा मेडिक्लेम नी सुविधा धरावती अद्यतन हॉस्पिटल। डॉक्टर ध्रुवल डी पटेल MD DGO लेपोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर दिव्या डी पटेल MD DGO सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट। थर्ड त्रीजो माल तुलसी बिजनेस सेंटर एक सहकारी जिन रोड हिम्मतनगर, समय सवारे 10-1, सांजे 4-6, रविवारे फक्त इमरजेंसी। प्रांतिज खाते पण गर्व गायनिक क्लिनिक एंड सोनोग्राफी सेंटर, समय सोम से शुक्र सवारे 10-1 सर 47 गोपीनाथ कॉम्प्लेक्स
LIC ની સામે એપ્રોચ રોડ પ્રાંતિજ જિલ્લો સાબરકાંઠા